मेहर फेंटू क्लब द्वारा 23वां अखिल भारतीय स्वाधीनता कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला त्रिवेंद्रम व हैदराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें त्रिवेंद्रम ने 1-0 से स्वाधीनता कप पर कब्जा जमाया। नगर की साहित्यिक एवं सामाजिक खेलकूद संस्था फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट यूनिट के तत्वाधान में यहां चल रहे 23वें ऑल इंडिया स्वाधीनता कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 रविवार को त्रिवेंद्रम एवं हैदराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें त्रिवेंद्रम ने 1-0 से स्वाधीनता कप पर कब्जा जमाया, जिसके बाद विजेता टीम त्रिवेंद्रम को क्लब द्वारा 51,000 नगद एवं स्वाधीनता कप तथा विजेता शील्ड प्रदान की गई। उपविजेता टीम को क्लब द्वारा 41,000 रुपए नगद पुरस्कार एवं शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ समाज सेवी विश्वनाथ चौरसिया गुड्डू भैया के द्वारा दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी एवं निर्णायक मंडल को व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किया। वहीं त्रिवेंद्रम के सैमुअल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेहर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता संतोष सोनी, विशिष्ट अतिथि रमेश पांडे, बम्बा मारा, समाज सेवी विश्वनाथ चौरसिया, गुड्डू भैया सहित फेंटू क्लब के सभी सदस्य, पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये इस साल 23वां आयोजन था हमारा और विगत 2 वर्ष में कोविड कारण आयोजन नहीं हो पाया था, और इस वर्ष जो हमारा ये आयोजन था इसमें 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 2 टीमें मैहर से थी और 12 टीमें बाहर की थी। त्रिवेंद्रम और अपना हैदराबाद के बीच हुआ था और दोनों टीमों में अच्छे प्लेयर थे और अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विजय सिर्फ 1 को मिलती है और 1 गोल से विजय प्राप्त की केरला ने, त्रिवेंद्रम ने। खेल प्रेमी के लिए तो हम ये कहेंगे कि 23 साल से जो खेल प्रेमी है बहुत ही सहज और अच्छे ढंग से खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। फेंटू क्लब एक ऐसा क्लब है जिन्होंने एक इतिहास मैहर में रच दिया। 52 साल से बहुत नजदीक से मैहर को हम देख रहे हैं। 52 साल पहले क्या स्थिति थी, आज फेंटू क्लब वालों ने पूरे देश में मैहर का नाम रोशन किया, क्योंकि टीम जो आने वाली है जितने राज्य है शायद कोई ऐसा राज्य हो, 28 राज्य, 30 राज्य, 29 राज्य, शायद कोई ऐसा राज्य हो जिस राज्य से यहाँ टीम लाई हो। जिस तरीके से डॉक्टर कैलाश जैन ने कवि सम्मेलन के इतिहास रचा, उसी तरीके से फेंटू क्लब वालों ने फुटबॉल टूर्नामेंट का इतिहास रच दिया और ये इतिहास कायम रहेगा हमेशा। फेंटू क्लब द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का विगत 23 वर्ष से लगातार यह कार्यक्रम हो रहा है। यह मैहर के लिए बेमिसाल कार्यक्रम है और मैहर के हमारे युवा साथियों को यह संदेश है कि ये निरंतर आप अच्छे कार्य करिए और खेल की भावनाओं को लेकर के मैहर में, चूंकि फेंटू क्लब ने 23 वर्ष पहले किया तो निश्चय ही भविष्य में मैहर से कोई ना कोई नई प्रतिभा उभर करके भारत के अंदर हमारे मैहर का नाम गौरवान्वित करेगी। मैं सदैव मैहर के खिलाड़ियों के साथ में हूँ। मेरे तरफ से जब भी कोई भी खेल खिलाड़ी मेरे पास किसी भी प्रकार से आएगा, जो मेरे से हो सकेगा संभव प्रयास कर करके उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम करूंगा। हम लोगों के द्वारा, नगर पालिका हमारी परिषद के द्वारा अभी विगत 13 तारीख को एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें मैहर ग्राउंड को यहां पर स्टेडियम बनाने का काम किया जाना है और मैं चाहूंगा कि एक भव्य स्टेडियम मैहर में बने। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।